ये देखें जी सफाई हो रही है, ये देखो घास काट दिया है वसीम साहब ने। बूटी बड़ी फैली है, खारिश होती है, जान लगती है। ये देखें जी सफाई हो रही है आज वसीम साहब कर रहे हैं। आगे पता है मौसम ये ठंड का आ जाना तो फिर हाँ। नहीं किया जाता लोका आज लग दे थे ना कि एजिंग फेयर तो कर दे, बहुत अच्छा हो गया नहीं की तो ये पीछे से ये नजर आना चाहिए, साफ लगता है। पता कि वो मिट्टी और फ्लो होती रहती है ना, फिर जड़ी बूटियां भी साइड पे आती रहती है। टेम्परेरी है इन्होंने किया हुआ, ये जो ना स्लैब रख के ये मिट्टी ये साथों से आती है, ये जो कंक्रीट की है ना ये स्लैब ये रख के तो ऊपर ये फेंसिंग ये नए तरीके की आजकल यूज करते हैं। ओके तो यहाँ तक तो सीमेंट किया हुआ उन्होंने, आगे नहीं किया, वो इसलिए तो जड़ी बूटियां इतनी आ जाती हैं इसीलिए। तो चलो जी ये टेबल वहां लेके चलते हैं आज, चलो जी। तो ये देखें जी टेबल आ गया यहाँ पे, अब चेयर्स आ रही हैं इधर। करके कल की ना कर दूं फिर? कर लो ऐसे ही कर लो, कल कल की कर लेना। मैं देखता हूं फिर जो टिप पे सामान फेंकना है ना वो कल फेंकना। हाँ टिप पे फेंकने वाला सामान तो काफी है, ये गमले भी जो नहीं ना चाहिए ये भी फेंकना। ये देखो चलो देख लो, चलो जी इधर आ गया टेबल। हाँ यहाँ पे गर्मियां लंघ गई तो असि हूँ सेटिंग चेंज की थी है ना, ये बड़ी जहरीली निकलती है ना। इसका होता है टूल मिलता है पर मैं लेके नहीं आ रहा, वो इधर नजदीक से मिल जाएगा। अच्छा से मिल जाता है वसीम, वो भी उतार दो, वो जो नहीं ये जो क्या है ये ब्राउन ब्राउन सी ये यार चढ़ी हुई उनकी तरफ से आई हुई थी। अच्छा उधर उन्होंने जब ये नया इन्होंने घर खरीदा ना नए जो आए हैं उन्होंने उधर से काट दिया, ओ इसीलिए वो सड़ गई है, ऐसे हो गया तो इसको उतारना पड़ेगा। निकल गई है स्टिफ किस्म की काम पे ना, तो वो दिखा रहा था मुझे, वो उसके पास है उसने ली थी तो वो कहता है ये अच्छी है इससे अच्छा निकल जाता है। ओके उसने इधर से ली थी मिक्स वो, चलो इंशाल्लाह फिर वो जाना कि थोड़े छोटे छोटे जाए ना उसी इजी निकल जाएंगे, ये वाले उससे नहीं निकल सकते, ये जो छोटी मॉस और ये नहीं छोटे छोटे वो उनके लिए सही है, ये बड़ा गंद पड़ता है ना इनका। चलो जी ये भी हो गया ना, ये सारा ही सूखा हुआ है, इन एंड आउट ही है, ये बड़ी पैड़ी लगती है ये। चलो दिला इधर से करो ओए बेटा, दो आते हैं ना एक आते तीन आते कलर ब्राउन में, ये जैसे एक ये शेड है किसे लाइटर होता है किसे डार्कर होता है और ग्रीन में भी आता है, मुझे ग्रीन में पसंद है वैसे। ये क्या बनाया आपने? मैंने कॉस्ट्यूम बनाया कॉस्ट्यूम बना के फिर रहे हो, देखो ये अच्छा लग रहा है ना टेबल यहाँ बिल्ला, पापा ने इधर मूव कर दी। अच्छा अच्छा ध्यान से ध्यान से ध्यान से, चलो इधर से हो गया माशाल्लाह से क्लियर। ऐसा नहीं होगा आप ऐसे कैसे शायद किया। हाँ जी आपने शावर करना है अब्दुल्ला, ठीक है सोने से पहले, कल फ्राइडे है फिर। मैंने कल और डिनर बनना है क्योंकि उनके पास फिश एंड चिप्स हैं। चलो ठीक है बन जाना फिर। अब्दुल्ला अब्दुल्ला बोला पापा बुला रहे हैं। अब्दुल्ला आपने हॉट डिनर बनना है कल सारे स्कूल के बच्चों के लिए या आपने हॉट डिनर खाना है? मैंने हॉट डिनर बन सकता हूँ। ओए ये मेरे आईफोन का है, इसके इतना क्लियर है ये अभी है, ओए ये अभी है। अगर आप ये ऐसे लगाओ लोगों ने कहना तेरे मुंडे को बहुत ही गर्मी लगती है, हैं गाउन में फिर रहे हो थक गए अभी सुबह जॉब भी गए थे टायर्ड हो गया मैं तो ओके जी अल्लाह हाफिज बाकी बाद में करेंगे ठीक है जी, रह गया अभी काम रहता है मुझे आ रहा है टाइम बाद में करेंगे, कैमरे की आंख देखें ये मेरी आंख भी देखें। चले ठीक है जी ओके अल्लाह हाफिज़, अब्दुल्ला अल्लाह हाफिज़ कर दो, अल्लाह हाफिज़।
चलो तो यहाँ पे जी वसीम साहब, नहीं उसका नहीं आया। इधर देखें गाड़ी की सीटें होने लगी हैं फोल्ड इन करके, और जाने लगा है सामान यहाँ पे, खुद जाके ना फेंक के आना पड़ता है। हाँ ये बिछा लें, तो चलो जी इसको ऐसे कर लें थोड़ा इस साइड पे। चलो जी तो चलो ले आओ फिर। चलो जी इधर से जहाज बड़े गुजरते हैं, सारा दिन जहाज। तो ये देखें जी ये भी फेंक के आएंगे इधर आके, नहीं वो लेके जाते। हाय हाय है मैं कितना एड्डी जोर दी बज गया तो पावे गड्डी खराब हो जाए। सीम ये ध्यान से ना गाड़ी खराब ना हो जाए, आराम से फेंकना इधर ही है इधर। अच्छा इधर जो फ्लैट है ना इसलिए रख लूं क्योंकि बाकी कील वाली है ना फिर। ठीक है तो ये है कि फिर कील लगेंगे वो कारपेट पे नहीं जाएंगे। चलो सही है। बादलों का मंजर चेक किया जाए जी, शानदार माशाल्लाह। इस मौसम में तो बाहर आग लगा के बैठ जाना चाहिए था। ओ अब मैं जा रहा हूं। चलो चलो ले आओ फिर। आग जला के बैठने का मजा तब आता था जब मैं सिगार पिया करता था। शाबाश, दसो तुसी कि मैं की करदा सा। अपने पोल खोली जाओ, सिगार पीता था मैं, बड़ा नेक काम करते थे। तो ये देखें जी ये सारा टूट पज सामान बड़े महीनों का इकट्ठा किया हुआ, तो ये आज जाएगा। मैं भी थोड़ी हेल्प करा दवा है ना। अच्छा ये नहीं, चलो फिर मैं ये ले आती हूँ। ये मैं हल्की हल्की चीजें उठाती हूँ। ओके चलो ये रख दो। टिंडे भांडे सारे बड़ा हैवी है ध्यान से। चलो मैं ना सीट केड़ी सीट। अच्छा ओके ओके ओके। ये जी टूटी थी वसीम की गाड़ी की ढोलकी, बड़ी भारी है जी। सामान गाड़ी में आ चुका है और ये सारा अच्छे टाइम में रह गई है। वो लकीली मिल गई मुझे बुकिंग शाम की, तो मैं का फारक कर दूं इसको। तो ये जा रहे हैं जी अब फेंकने के लिए। ये देखिए सामान भी जो ना बड़ी इज्जत के साथ बड़े एहतराम के साथ रखा जाता है, और फिर जाके उसको बड़े इज्जत एहतराम के साथ ही अगलों से टाइम लेके उनको फेंका जाता है। इंज नहीं असी सुट सकते, अगलियां को टाइम लेना पैंदा वे। इतने काम इंजीनियर का कोविड आया ना तब का वो टाइमिंग बुक करनी पड़ती है, पर वो काफी लोग खुश हैं, उसी वजह ये है कतार में इंतजार नहीं करना पड़ता। वैसे गाड़ी ऐसे भी बड़ी प्यारी लग रही है, देखो आप पौधे उगे ना गाड़ी है ना। आप उधर रहने जा रहे हैं, हम ढकना बंद करना इसका। चलो ठीक है, चलो कर दो बंद। हां वो मुझे चाहिए होगा फोन मेरा। चलो ठीक है, ओके फिर रेफरेंस देख लें। ओके जी अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया आपका देखने का। देखिए जी जितनी हिम्मत थी मैंने कर लिया, बल्कि सांस फूल गई थी फिर मैं बैठ गया। काम पे भी गया हुआ था, अगले की शिफ्टें होती हैं। हाँ। तो बाकी तो फिर साहब मौसम बड़ा जबरदस्त है, बाकी माशाल्लाह मौसम बड़ा मजेदार है। बारिश हो नहीं रही ना, धूप ज्यादा कड़क निकली हुई है, तो ये काम फटाफट कर ले। पहले घास काटा मैंने, घास घूस काट के फटाफट बूटियां शूटियां वो निकाल के मैं कहा। पर इधर वैसे माशाल्लाह देखो आके लग बड़ा अच्छा रहा। तो जी यूके में इस टाइम जो टाइम है ना 7 बजने वाले हैं, मैं भागने की करूँ बस। हाँ जी तुसी दौड़ जाओ। ये रह गई है, ये देखें वहां पे कर दिया टेबल मूव। बाकी अभी होने वाला है, अभी सारा हुआ नहीं है, बस मेन कर ले। हाय साडे मोहल्ले च पता नहीं कौन आ गए, इन्हां दे कुत्ते रखे ने, इन्होंने बड़ा ही भौंक दे ने। ये कुछ अरसा हो गया इनको आए हुए, खाना नहीं डालते हैं, कुत्तों की लड़ाई करवाते हैं, पता नहीं की करदे ने। बहुत वाला है, बहुत। हां चलो जी फिर, ओके जी अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ये भी पहले सारा इधर पहले वो यही है वेस्ट है। हां उन्हीं टेल के पहाड़ियां बनाते रहते हैं, पानी डालते रहते हैं, वो कंप्रेस करते रहते हैं, फिर उसके ऊपर ये फिर बिल्डिंग वगैरह बना देते हैं या ग्रीनरी पैश करते थे। तो चलें जी हम आ गए हैं टिप पे। ये देखो इतने कूड़ा सुट्टी दा जा आके। चलो जी इधर लो, अब ये रिसाइकलिंग सेंटर है, यहाँ फेंकने आए हैं। गार्डन वेस्ट अलग है,
जो लोहा वगैरह उसका अलग है, लकड़ी का अलग है, ये स्मेल बड़ी है, बू बड़ी आती है। 8 बजे ये बंद कर देते हैं, अब 7:30 होने वाले हैं, तो मैं कहा चलो टाइम वो वाला रखूँ कि जिसमें मैं पहुँच भी सकूँ। मेरा ग्रीन वेस्ट का अलग ही लाइन बनाई है उन्होंने। ये देखो, ये जैसे पाकिस्तान में होती है ना रूढ़ियाँ यूके दी ये यूके का है, बड़ी स्मेल है। तो ये देखें जी, सामान निकाला जा रहा है, और यह देखो इत्थे सुटांगे, देखें घास शास, ये देखें है चल रहा है, ये ग्रीन वेस्ट है, प्लास्टिक में ये जाने लगे हैं, वो गया रे वो रे। और यहाँ पे फेंका है सारा ये प्लास्टिक, मिक्स नहीं कर सकते, मैंने मास्क पहना हुआ है, बड़ी स्मेल है इधर भाई। देखें लोग फेंकने आते हैं ऐसे इधर सामान शमान, देखो सुट्टा लगी जो, ये देखो ऐसे फेंकते, हिम्मत है जिनकी जो यहाँ पे काम करते हैं, बड़ी स्मेल है भाई, इन्ना की हिम्मत है वैसे उनका नाक यूज हो जाता है। आहो देखो जरा, तो ये देखें जी बड़े लोग आए हुए हैं सामान फेंकने, यहाँ पे जो है ना गत्ते का था सारा, और ये देखें, और इसको भी झाड़ लो कपड़े को भी यहाँ पे, देखें बड़ा काम करना पड़ता है यहाँ पे, खुद ही बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले आए हुए हैं, आप ही करना पड़ता है सारा काम इतने। यहाँ देखो ज़रा, ओए बड़ी स्मेल, स्मेल बड़ी है। तो ये लें जी, वापस गाड़ी अब हमारी होने लगी है स्टार्ट। मेरी आवाज़ तो हल्की आएगी क्योंकि मैंने मास्क पहना हुआ है बहुत स्मेल है। गाड़ी आने लगी अपने एक्शन में वापस, ये देखें सीटा खड़िया हो गई ने, तो बस अब इस चादर के ऊपर ये वाला हम सामान अपना रखेंगे। तो ये देखें ज़रा, चलो चलो कूड़ा आया, हाँ वो देखें, वही मैं क्या वड्डिया वड्डिया गड्डिया लोग फिर जा रहे हैं, उन्होंने आप ही सुटना आना है, यहाँ कौंसल टैक्स भी इतना है, पर कौंसल सारा नहीं आपका लेके जा सकते हैं, जाते हैं कौंसल, कोई नहीं तानू आप ही सुटना पैंदा है। देखो हाँ अलग मांगते हैं पैसे, ये भी जो आगे गाड़ी वाला है वो देखा बेचारे स्टूडेंट भी। चलिए है ना जी, थैंक यू आपका साथ आने का, वैसे मैं मोस्टली हमेशा अकेला ही आता, तो मैंने इनको कहा मैं बड़ा थका हूँ आज आप साथ आ जाओ, तो जरा फटाफट 10 मिनट भी नहीं लगे हम लोगों ने जो है ना फिनिश कर लिया, चलो सब चलेंगे घर को, चलें जी करो करी, अभी चलते हैं, अभी लोग फेंक रहे हैं सामान, एडी महंगी गड्डी के अंदर किंजो कूड़ा खलारा पा के लेके आ गया, चॉइस कोई नहीं है। हां ये देख लो कैसे लोग, बड़ी स्मेल थी भाई, हिम्मत जिन्ना दी आंदे ने ते इत्थे कूड़ा छोड़ के जांदे हैं, वैसे ऐ देख लो आ रहीयां ने गड्डियां, ये देखो ये भी एक दिन अब्दुल्ला बड़े शौक से आया, मैंने भी जाना, मैंने कभी देखी नहीं, आ तो गया कहता मुझे वोमिट आ रही है, मुझे वोमिट आ रही है, हाउ कैन यू ब्रीथ, मैं कहा अब्दुल्ला देखो वो इधर जॉब करते हैं उनकी जॉब है इधर। चलें जी इजाजत दें, और वसीम के चैनल को सब्सक्राइब करें, देसी ब्लॉग को, तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह मेरी और वसीम साहब की तरफ से, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।